सलाम दोस्तों, मैं अंजु मारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो आप इसे आप भी बनाइए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे हम सात चेन लेंगे और फिर इस तरह से हम गोल कर देंगे। फिर यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे और इस तरह से हम इसमें इस तरह से हम बनाएंगे। फिर हम दो चैन लेंगे और फिर उसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो दोस्तों आप इसे चार बार बनाइए या पांच बार, आप पर है कितना बार बनाना चाहते हैं। हम तो चार बार बना रही हूँ। फिर दो चैन लेंगे और इसी तरह से हम दोस्तों बनाते जाएंगे और ये सात बार बनाएंगे। तो देखिए, ये तीन बना चुके हैं और अभी हम चार बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम चार बार बना चुके हैं और फिर हम दो चैन लेंगे और इसमें देखिए बगैर फंदे के इसमें इस तरह से बंद कर देंगे और फिर हम तीन चैन लेंगे इस तरह से और इसमें हम दो बार बनाएंगे। देखिए, और ये फिर हम चार चार करके बनाएंगे। देखिए, और फिर दो चैन लेंगे और फिर इसी तरह से हम पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। देखिए, ये सारे में हम दो दो बार बनाएंगे। फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए, हम दो चैन लिए और फिर इसमें से इस तरह से देखिए और फिर हम दो चैन लेंगे और इस तरह से देखिए इसी तरह से हम सारे में इसी तरह से बनाएंगे। और देखिए, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम इसे तीन चैन लेकर इस तरह से बंद कर देंगे और फिर हम इस तरह से और फिर हम तीन चैन लेंगे और उसी तरह से फिर हम बनाएंगे। फिर दो चैन लेंगे और इसमें इस तरह से बनाएंगे। फिर हम चार चैन लेंगे और इसे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे। फिर हम दो चैन लेंगे
और इसमें इसी तरह से चार बार बनाएंगे। फिर हम चार चैन लेंगे और इसे छोड़ के हम इसमें इस तरह से फिर दो चैन लेंगे और इस तरह से इसी तरह से पूरे राउंड में बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसे इस तरह से इस पे बंद कर देंगे और हम सॉरी यहाँ पे इस तरह से और फिर तो देखिए इसमें इस बार हम तीन बनाएंगे। फिर दो चैन लेंगे और इसमें फिर उसी तरह से बनाएंगे। फिर दो चैन लेंगे और फिर इस तरह से देखिए इसी तरह से बढ़ेगा। फिर हम एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से अंडा देंगे। फिर एक दो तीन चार फिर इसमें हम तीन बार बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड बनेगा। ये देखिए फिर हम ये राउंड में आते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं और फिर हम चार पांच चैन लेंगे और इसमें इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर हम दो चैन लेकर इसी में दो बार बनाएंगे। इस तरह से फिर हम दो चैन लेकर इसे छोड़ देंगे और इसमें से दो बार बनाएंगे। देखिए इसमें से भी दो बार इसमें भी दो बार इसमें दो बार ये चैन दो बार लिए हैं और फिर हम चार चैन लेंगे यहाँ पे
और इसमें फिर हम उसी तरह से तो दोस्तों 5 चैन लीजिएगा। इस तरह से देखिए फिर हम दो चैन लेकर इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए इस तरह पूरे राउंड आएगा। तो देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, ऐसे हम इस तरह से फिर दो चैन लेकर इस तरह से बनाएंगे। फिर दो चैन लेकर इसमें भी दो बार बनाएंगे। देखिए ये बीच वाला है, दो चैन लेकर इसमें भी देखिए इसी तरह से बनेगा। और फिर ये अब चैन बढ़ेगा वाला, इस तरह से। और हम फिर आएंगे अगले राउंड में, तो फिर इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम आ रहे हैं दूसरे राउंड में। तो देखिए दोस्तों ये मेरा बन के आ गया है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे और इसे हम इस तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से भी बताएं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और कमेंट के ज़रिए बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो देखिए इसी तरह से ये बनेगा।
ये सारे हम इसी में यहाँ तक बनाकर ले ला रहे हैं, तो फिर हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसे तीन चैन लेंगे और इसे इस तरह से इसे इस तरह से बनाएंगे। फिर हम तीन चैन लेंगे और इसे इस तरह से बनाएंगे। फिर हम तीन चैन लेंगे और इसे इस तरह से। दोस्तों ये सारा हम इसी तरह से बनाते रहेंगे। यहाँ तक ये बनेगा, यहाँ तक। तो देखिए फिर से हम तीन चैन ले रहे हैं और इसमें इस तरह से, और हम फिर आप इस तरह से मोड़ेंगे इधर से। अब हम बनाएंगे एक, दो, तीन। तो देखिए इसी तरह से ये बनेगा। देखिए मेरा थाली पोश बन चुका है, थोड़ा और है। और दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के ज़रिए बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इस तरह से इसे लेंगे। तो देखिए ये मेरा एक डिज़ाइन बनके तैयार है और ये सारा इसी तरह से बनाया जाएगा। अब हम फिर इसमें इस तरह से बना लेते हैं, तो फिर हम आपको पूरा दिखाते हैं। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ तक आ गए हैं और ये लास्ट है। हम यहाँ तक फिर से बना के बता रहे हैं। तो देखिए हम लास्ट कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे हम इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम तीन चैन लेंगे और फिर हम उसी तरह से, जिस तरह से मैंने पहले बताया था, उसी तरह से इसे भी घुमाएंगे। तो देखिए Thank you.
इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह मैंने सारा बनाया था। तो मैंने इसे इस तरह से ज्वाइंट करना था, इसीलिए हमने इसे बताया। अब हम इसी तरह से घुमाकर यहाँ तक आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसे भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस धागे को निकाल देंगे, इसे इस तरह से इसमें ज्वाइंट करके। देखिए देखिए, ये मेरा पूरा थाली पोस, छोटा थाली पोस बन के रेडी हो गया है। और ये जो है, इसे हम इसे इस तरफ से खींच देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप बनाइए, बहुत खूबसूरत।